नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूजी साव चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर छत्तीसगढ़िया। जी हाँ, और इसको हम बनाएंगे शुद्ध छत्तीसगढ़िया स्टाइल में। तो इसमें छत्तीसगढ़िया स्टाइल क्या है, इसको आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, हम ले लेंगे 8-10 लहसुन की कलियाँ और इसको छत्तीसगढ़िया स्टाइल में सील पर पीस लेंगे। दोस्तों, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि जो भी चीज़ें हम करें वो पूरी छत्तीसगढ़िया स्टाइल में करें। और आप जानते हैं, सील में पीसे हुए चीज़ों के स्वाद मिक्सी में या अन्य चीज़ों से पीसे हुए स्वाद से बिल्कुल अलग और अच्छे होते हैं। लीजिए, हमने लहसुन पीस लिया है, अब इसको एक प्लेट में अलग कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी ऐसे ही बारी बारी पीस लेंगे। लहसुन हमारे पूरे पीस चुके हैं दोस्तों। अब बारी है मिर्ची की। मिर्ची पीसने के लिए हमने इसे छोटे छोटे काट लिए थे ताकि पीसने में आसानी हो, और थोड़ा नमक डाल लिया था ताकि ये घर्षण को अच्छे से मेंटेन करे। इसे भी हम एक अलग प्लेट में ले लेंगे। अब बारी है प्याज की। प्याज को भी हम बारीक काट लिए हैं और उसको सील में पीस लेंगे। दोस्तों, अगर आप YouTube में कभी छत्तीसगढ़िया पनीर करके सर्च करते हैं तो आपको एक भी वीडियो नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि आपको एक छत्तीसगढ़िया टच वाला पनीर का रेसिपी दूं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टमाटर को हमने थोड़ा सा भून लिया है, इसके छिलके हटा देंगे। ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे थोड़ा आराम से करता हूँ। जले हुए इसके छिलके हटा दिए हैं हमने। इसको थोड़ा चाकू से काट लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो, और ये गर्म है तो हाथ जले ना। इसी तरह हमने 3 टमाटर लिए हैं। प्याज जो लिया था वो एक बड़ा प्याज था, और लहसुन लिए थे वो 8-10 कलियां थी, और मिर्ची भी 3 से 4 मिर्ची हमने यूज़ किया था। इस तरह से टमाटर को भी पीस लेंगे। पीसे हुए टमाटर का स्वाद आप जानते ही हैं दोस्तों। अब सोच लीजिए कि अगर इस तरह से पीसे हुए मसालों से पनीर बनाया जाए तो वो कितना स्वादिष्ट होगा। देखिए, हमने सारी चीज़ें पीस ली हैं। इसके अलावा हमने हरा प्याज लिया है और उसे काट लिया है, साथ ही कड़ी पत्ते और धनिया लिया है। चलिए, एक कढ़ाई में गर्म कर लेते हैं और उसमें तेल डाल देते हैं। तेल का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें जीरा की जगह हमने तिल डाला है। अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें जो हरा प्याज हमने काट के रखा था वो डाल देते हैं। अब बारी है पीसे हुए लहसुन की, पीसी हुई मिर्च, चम्मच चला लेंगे, और अब पीसे हुए प्याज की। दोस्तों, सील में पीसने का फायदा यह है कि न तो यह बहुत अधिक चिकना होता है और न ही बहुत बड़े बड़े आकार का, इसलिए यह दरदरा होता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसके बाद इन सबको आपस में मिला लेंगे। फ्लेम हम धीमा रखेंगे ताकि हमारा प्याज जले नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे जो पीसे हुए टमाटर थे उसको। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया है, फिर से मिक्स कर लेंगे और सभी मसालों को भूनने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और थोड़ी देर और भूनेंगे।
और अब इसमें एक और छत्तीसगढ़िया टच जाने वाला है, वो है इसमें हम मटर की जगह डाल रहे हैं राहेर। राहेर आप जानते होंगे दोस्तों, जिसे आप कई लोग अरहर भी कहते हैं, उसके ताजे दाने हैं, हरे दाने जिसे हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हो गई थी दोस्तों मेरे से छोटी सी गलती, वीडियो रिकॉर्डिंग के समय वो आखिरी पार्ट मुझसे हो गया था करप्ट, इसलिए मैंने पुराने वीडियो का भाग ले लिया है। और इसमें हम डाल देंगे पनीर के टुकड़े और मिला देंगे पानी और इसे एक उबाल आने देंगे और धनिया की पत्ती डाल देंगे। ये पार्ट मैंने पुराने वीडियो से लिया है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखिए हमने इसमें धनिया डाल दिया है, सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर हमारा ये छत्तीसगढ़िया टच पनीर में आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। अगर वीडियो आपको सचमुच पसंद आया हो तो ही इसे लाइक करें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बतावें। दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस पनीर की सब्जी को 100% छत्तीसगढ़िया बनाया जाए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।